कि देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है। ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है। ऊपर उठता पानी है, जब सिर से उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। कब आए भगवान बीच सभा जब लुटने लगी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। हम किस बात का अभिमान करेंगे? मैं दो कोड़ी का हूं, द्रौपदी पांडु धृतराष्ट्र की पुत्र वधु है, जो उस समय भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, उनकी बहू है। भीष्म पितामह की पोता बहू है। कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं की शिष्या है महाराज। पांच पांच महारथी पांडवों की पत्नी है। ठाकुर जब परीक्षा लेने पे आया तो उसकी भी क्या दशा कर दी महाराज। हम क्या हैं और हमें इतना सा दुख मिलता है, हम चीखने लगते हैं महाराज। हम तो है ही कुछ नहीं, फिर भी ठाकुर के सिर पर ऐसे डंडा लेकर चढ़ जाते हैं। ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये सब कुछ मुझे ही क्यों दिया। अरे महाराज द्रौपदी को देखो, महारानी को। बीच सभा जब लुटने लगी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी। सर को झुकाए सब बैठे, तब तुमने बढ़ाई साड़ी थी। तुमने बढ़ाई साड़ी थी, तब तुमने बढ़ाई भाई बहन के प्यार किए तो। भाई बहन के प्यार किए तो बड़ी ही अजब कहानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। सुदामा बन के जाचक जब तेरे दर पर आया था।
जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था। हम महाराज एक आधा कोई एकादशी का व्रत रख लें तो ऐसे भगवान से बात करते हैं जैसे भगवान को मोल ले लिया हो। सोचो सुदामा जी के घर में महीने के 300 दिन एकादशी होती थी, खाने को नहीं था कुछ भी, और है कौन? भगवान का मित्र है, चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश का मित्र, और खाने के लिए अन्न का दाना नहीं। और हमें इतना कुछ दिया, हम फिर भी भगवान को कहते हैं अरे क्या दिया है? विपर सुदामा बन के जाचक, जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था। हे गोपाल बड़े प्रेम से तूने गले लगाया था, तूने गले लगाया था, तूने गले लगाया था। पहले क्यों ना बरसाते, जब पहले क्यों ना बरसाते, जब श्याम कृपा बरसानी है, देर से आने की तेरी आदत, कृष्णा बड़ी पुरानी है। देर से आने की तेरी आदत, कृष्णा बड़ी पुरानी है। आज महाराज लोग नाचने को भक्ति कहते हैं, नाचने को, लेकिन नाचना भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा का नाम है। नाचना ड्रामेबाजी थोड़ी है, लोगों को दिखाना है मैं भक्त हूं, नाच रहा हूं, इसलिए नाचने गाने वाला काम मैं थोड़ा कम करता हूं। और नाचना भी किसके सामने है? ससुर बैठा है, किसी का जेठ बैठा है, उनके सामने नाचना महाराज। पहले पहले क्या होता था, हमारे घर की औरतें रसोई संभालती थी और नाचने वाली किराए से बुलाई जाती थी जब ब्याह होता था। आज नाचने वाली घर की हैं और रसोई संभालने वाली किराए से बुला रहे हैं, और हमारे घर की औरतें महाराज कोई नाचने वाली थोड़ी है जो पूरे समाज के सामने नाचेंगी। वो तो हमारी इज्जत मान मर्यादा है, और यदि नाचती है कोई तो नाचना भक्ति की पराकाष्ठा है। तुम ये जो मैं त्याग अभी गाऊंगा, ये वाले त्याग तुम कर दो, फिर जितना चाहे नाचो। कैसे? महलों की रानी मीरा भाई, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया। महल छोड़े, राज रानी है, रजवाड़ा छोड़ा, रानी का पद छोड़ा, और क्या क्या छोड़ा, पति भी छोड़ दिया। महलों की रानी मीरा भाई, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया। और हे ठाकुर तुमने भी कैसी परीक्षा ली, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा और तुमने कोई कसर नहीं रखी उसको तंग करने में। भगवान की परीक्षा कैसी है, ठाकुर का प्रेम कैसा है, जिसको जीवन में दुख है समझ लो ठाकुर की कृपा उसके ऊपर है। भगवान जिसको दुख दे रहा है मतलब उसको देख रहा है कि इसको दुख दूंगा आज। और महाराज जिसको भगवान ने देख लिया उसको और चाहिए क्या?
वो तो वैसे ही तर गया जिसको भगवान ने देख लिया, और देखता भगवान उसको है जिसके जीवन में दुख है। इसलिए माता कुंती ने मांगा, हे ठाकुर मुझे नहीं चाहिए कुछ, युधिष्ठिर राजा मत बना, तू मत जा, जितने दुनिया के दुख हैं तू मुझे दे दे। जब तक हम दुखी थे जंगलों में, वनवास में, अज्ञातवास में थे, तब तक तू हमारे साथ थे। आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर मैं राजमाता बनने लगी तो तू हमें छोड़ करके द्वारिका जाने लगा मेरे ठाकुर। इसलिए जब तक दुख होंगे महाराज, ठाकुर हमारे साथ रहेगा, और सुख दुख है ही नहीं कुछ, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख हमारे अपने कर्म हैं, हमने किसी की झूठी गवाही ही दी है तो वही कर्म हमारे सामने पुत्र वियोग बनकर आएगा, हमारा बेटा मरेगा जवान। किसी के घर को तोड़ा है तो हमारे अपने घर की बेटी विधवा होकर वापिस हमारे घर में आएंगी। सुख दुख किसी का थोड़ी है, वो कौन है सुख दुख देने वाला? भगवान ना ही किसी का मित्र है, ना ही किसी का शत्रु है महाराज। ये कर्म ही हमारे सुख और दुख बनकर हमारे सामने है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। इसलिए महलों की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ने भजन किया, एक तारा ने भजन किया। और ठाकुर ने दुश्मनी किससे करवाई? राजा राणा वैरी हो गया, पति वैरी हो गया, उसने वार पे वार किया, उसने वार पे वार किया, तब उसने वार पे वार किया। पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला। मैं नहीं मना करता महाराज, जिसको नाचना है नाचे, लेकिन पहले अपनी ठाठ छोड़े, अपने राजमहलों जैसा सुख छोड़े, सब प्रकार के सोने चांदी गहने आभूषण पैसे त्यागे, एक जोगन का भेष बनाए और मीरा जैसा जहर पिए, फिर तो नाचे मजा है, नहीं तो ड्रामा करने के लिए क्या नाचना महाराज। पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, जहर बनाया पानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। और हे ठाकुर, ना ही मैं मीरा हूं, ना ही मैं राधा हूं, मैं नाचूंगा या नाचूंगी तो लोग कहेंगे पाखंडी, ए सो पता नहीं क्या खा के, पता नहीं कौन कहां चली, जो भी है बगला भगत, इसलिए मैं कुछ भी नहीं, तो ठाकुर तेरी भक्ति कैसे करूं? तो महाराज ठाकुर जी ने कहा है, तुम मेरी भक्ति भाव से कहो, जब भाव प्रबल हो जाएगा तुम दुनिया माया जगत से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम्हें अपने पराये का बोध नहीं रहेगा, और जब अपने पराये का बोध समाप्त होगा तब तुम अपने आप नाचने लगोगे, तब मैं आकर तुम्हारे साथ नाचूंगा। और उसी भक्ति भाव की पराकाष्ठा को महारास कहा जाता है, जिस रास के नाम को आज लोग बिगाड़ रहे हैं महाराज, अरे जिसमें नारी पुरुष का भेद ना हो, अपने पराये का, स्त्री पुरुष का, पुत्र पति का भेद ना हो, वो तो समझ लो क्या है महाराज। अब किसी पेड़ को किसी दूसरे पेड़ के पास रख दो तो दोनों पेड़ पेड़ में क्या है, कौन सा भाव है? वही भाव जब हमारे बीच में आएगा, है ठाकुर तू भी मैं हूं, मैं भी तू है, तो फिर वो रास भी पवित्रता का मिलन है, वो रास भक्ति के रस को प्राप्त करने का बड़ा नाम, भगवान की लीलाओं में नाचने के जो आनंद रस है, उस आनंद रस का जो बड़ा नाम है, जो बड़े आनंद आया समझ लो, उस रस का नाम रास है महाराज। और जिस समय भगवान ने रास लीला की है महाराज,
मात्र 8 साल है आयु। कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल के बच्चे को ले जाओ सब महिलाएं अपने साथ, क्या कर लोगी हैं? लेकिन आज हमारे भगवान कृष्ण को महाराज रोमियो बना रहे हैं, रोमियो। अरे तुम क्या जानो कृष्ण क्या है? जिस 8 साल के कृष्ण की तुम रास की चर्चा करते हो, उसी 8 साल के कृष्ण ने 7 कोस का गिरिराज भी तो उठाया है महाराज, तुम भी उठाओ। उस 11 साल और 60-70 दिन के कृष्ण ने कंस जैसे, मुष्टिक चानूर जैसे बल दुरंधरों को भी धराशाही किया है, महाराज तुम भी करो हैं? इसलिए हमारा भाव प्रबल हो, हमारा मन नाचे, महाराज ठाकुर इसी में राजी है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, ना ही मैं मीरा हूं ना ही मैं राधा हूं। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, हाँ फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। हे ठाकुर, मैं मीरा की तरह घर नहीं छोड़ सकती, मैं मीरा की तरह जहर नहीं पी सकती, लेकिन फिर भी मेरा प्रेम तुमसे है, फिर भी तुझे पाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। ये मेरा नाम नहीं है, कुसुम फूल को भी कहते हैं। और ठाकुर का मुख कैसा है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज कहते हैं कमल के फूल को, और हमारा ठाकुर कैसा है? फूल जैसा चेहरा है, इसलिए कहा। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। Thank you.
जप तप साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूयितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। मंत्रहीनम ना ही मंत्र आता है, क्रियाहीनम ना ही पूजा कैसे करते हैं वो आता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि आरतियां कितनी होती हैं। किसको पता बताओ कितनी आरती होती है, कितनी बार घुमाया जाता है, कोई नहीं जानता। आरती में क्या क्या होता है, आचमनी होती है, अर्घा होता है, चमर होता है, मोरबंखी होती है, शंखी होती है, गरुड़ घंटी होती है, हमारे पास तो सामान भी नहीं, इसलिए कुछ नहीं आता। हमारी भक्ति तो है ठाकुर धन्य भगत जैसी है। जप तप साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, नाम है मीरा नाम है राधा, नाम है मीरा नाम है राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, नाम है मीरा नाम है राधा, 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 नाम है मीरा नाम है राधा।